गुड इवनिंग क्लास। आज का हमारा नया जो चैप्टर है वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। ठीक है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट में ले चुके हैं कि सक्सेशन क्या होता है। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इकोसिस्टम बाहर से देखने में एक स्टेबल सिस्टम दिखाई देता है, लेकिन जब इसको हम ध्यान से देखते हैं या अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, इसमें मूवमेंट होते रहते हैं, इसमें हर चीज़ मोटाइल, हर चीज़ इसमें गतिशील है, मूवमेंट करती रहती है। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो जो इकोसिस्टम होता है उसमें एनवायरमेंटल या उसके जो भी बायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनमें चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम में अगर हम बात करें तो उसमें कई टाइप के चेंजेस आते हैं। वहाँ का जो हैबिटाट है जहाँ सारे बायोटा जो बायोटिक फैक्टर है वो रह रहे हैं, उस हैबिटाट में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, ये चेंजेस दो टाइप के हो सकते हैं कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो किसी भी इकोसिस्टम में टेम्प्रेरी चेंज लेके आते हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को परमानेंटली चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक कोई सपोज बड़ा सा कोई हैबिटाट है, वहाँ पे कोई वोल्केनो था या ज्वालामुखी था जो फट गया। ठीक है, तो वहाँ नीचे जंगल था चारों तरफ, लेकिन अगर वोल्केनो या ज्वालामुखी वहाँ पे फटता है तो उसकी राख और जो भी उसमें से केमिकल्स निकलते हैं, गैसेस निकलती है, उसकी वजह से वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, वहाँ पे पूरा हैबिटाट चेंज हो जाता है। पहले एक अलग हैबिटाट था, पहले एक जंगल था जो कि एक अलग टाइप का हैबिटाट होता है, लेकिन जो वोल्केनो की वजह से जो हैबिटाट में चेंजेस आए अब वो एक अलग हैबिटाट में कन्वर्ट हो चुका है। और एक चीज़ हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी एनिमल स्पीसीज या प्लांट स्पीसीज या कोई भी स्पीसीज कैसी दिखाई देती है, किस टाइप की अडेप्टेशन वो शो करती है, ये उसके कंट्रोल में नहीं होता, ये उसके हैबिटाट और वहाँ के क्लाइमेट के कंट्रोल में होता है। वो डिसाइड नहीं करेगा एनिमल कि मुझे कैसा दिखाई देना है, किस टाइप की अडेप्टेशन मुझे शो करने हैं। वो डिसाइड करता है वहाँ का एनवायरमेंट, उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्वाइवल करने के लिए जो जो भी उसे चाहिए, जो भी अडेप्टेशन उसे चाहिए वो उसको अडेप्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो पहले जंगल वाला हैबिटाट था वहाँ पे अलग टाइप के एनिमल और जो प्लांट्स वेजिटेशन वगैरह थी वो अलग टाइप की देखने को मिल रही थी, लेकिन अब वोल्केनो की वजह से वहाँ पे जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी हैबिटाट में चेंजेस आए हैं, अब वहाँ पे अलग टाइप की एनवायरनमेंट बन गया, अलग टाइप का हैबिटाट वहाँ पे बन गया। तो वहाँ पे जो भी स्पीसीज रहेगी, चाहे प्लांट स्पीसीज रहेगी चाहे एनिमल स्पीसीज रहेगी, वो अलग होगी पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि जैसा हैबिटाट होगा उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे स्पीसीज रहेगी। ठीक है, तो जो बड़े चेंजेस होते हैं यहाँ, नॉर्मली किसी भी इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो हैबिटाट होते हैं उसमें जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं प्लस वहाँ पे रहने वाली जो स्पीसीज होती है वो एक लंबे टाइम के अंदर चेंज होती रहती है। ओके, और ये चेंजेस और ये जो परिवर्तन है वो इतने स्लो एंड स्टेडी होते हैं, इतने धीमे और स्थिर होते हैं कि हम इनको आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इनमें बहुत लंबा टाइम लगता है। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है क्या, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी भी बड़े लॉन्ग लास्टिंग जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हैबिटाट के अंदर जो पुरानी स्पीसीज होती है, चाहे एनिमल स्पीसीज की बात करें चाहे प्लांट स्पीसीज की बात करें, वो रिप्लेस होती रहती है और उनकी जगह नई स्पीसीज ले लेती है। और ये जो क्रम है कि स्पीसीज रिप्लेस हो रही है, ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक वहां पे क्लाइमेक्स नहीं आ जाता, या कोई क्लाइमेक्स की जो स्पीसीज है कि हाँ अब आगे चेंज की कोई गुंजाइश नहीं है, वो स्पीसीज जब तक नहीं आ जाती है तब तक इकोसिस्टम के अंदर जो चेंजेस है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो चाहे बायोटिक फैक्टर हो, उनके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। और ये चेंजेस तब तक आते हैं जब तक क्लाइमेक्स ना आ जाए, क्लाइमेक्स के बाद में सक्सेशन है वो वहीं रुक जाएगा, फिर उसके बाद में जब तक कोई बड़ा चेंज नहीं आता तब तक उसमें क्लाइमेक्स जो स्पीसीज है उसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि किसी भी हैबिटाट में आने वाले जो परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग जो चेंजेस है, जिसकी वजह से उस हैबिटाट में रहने वाली जो कम्युनिटी है उसमें चेंजेस आते हैं, वो रिप्लेस होती रहती है। एक कम्युनिटी आती है उसको फिर कोई दूसरी एक लंबे टाइम बाद में कोई दूसरी कम्युनिटी है उसको रिप्लेस कर देती है, फिर एक लंबे टाइम में बाद में जब हैबिटाट में कुछ चेंजेस आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तीसरी कम्युनिटी है वो रिप्लेस कर देती है। तो यहाँ पे एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को तब तक रिप्लेस करती रहती है जब तक फाइनल क्लाइमेक्स वहां पे नहीं आ जाता है।
नेक्स्ट हम इकोलॉजिकल सक्सेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहला फैक्ट ये चेंजेस आती क्यों है, इन चेंजेस का रीजन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चेंज आने का रीजन है वो एनवायरमेंट है। अगर किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर चेंजेस आते हैं तो वहां रहने वाली स्पीसीज को डेफिनेटली अपने अंदर चेंज लानी पड़ेंगी। अगर वो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन शो नहीं करती है तो या तो उसको माइग्रेशन करना पड़ेगा यानी वहां से जाना पड़ेगा, या फिर वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और या फिर जो वहां रहने वाले एनिमल्स होते हैं, जो भी बायोटिक फैक्टर होते हैं, उनके अंदर उनका खुद का एक कैरेक्टर होता है, उनका इंटरनल कैरेक्टर होता है कि हाँ वो चेंज क्रिएट कर सकती है। अभी बायोटिक फैक्टर कैसे चेंज ला सकते हैं पूरे या सक्सेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आगे के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सक्सेशन के अंदर सक्सेशन का जो रीजन है वो एनवायरमेंटल फैक्टर या बायोटिक फैक्टर कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो किसी भी हैबिटेट की अगर बात करें तो सबसे पहली जो कम्युनिटी वहां पे आकर के बसती है उसको पायोनियर स्पीसीज कहते हैं। हालांकि पायोनियर स्पीसीज का फिक्स है कि इसको तो कोई ना कोई रिप्लेस करेगा क्योंकि ये फर्स्ट है। ठीक है, और फिर पायोनियर जो कम्युनिटी है उसको कोई फिर आगे चल करके कोई दूसरी कम्युनिटी रिप्लेस कर देती है, दूसरी को तीसरी कर देती है। फाइनली ये तब तक चलता रहता है जब तक क्लाइमेक्स नहीं आ जाता। तो ये पायोनियर स्पीसीज से जो ये जर्नी है क्लाइमेक्स स्पीसीज तक की, इसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। तो पायोनियर यहां स्पीसीज मैंने लिखा है, या पायोनियर कम्युनिटी जो होती है वो किसी भी हैबिटेट में आकर बसने वाली सबसे पहली स्पीसीज या सबसे पहली कम्युनिटी होती है, या हम ये कह सकते हैं कि सक्सेशन की जो पूरी प्रोसेस है उसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो पायोनियर स्पीसीज है वो है, और सबसे लास्ट में क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो आकर के वहां पे बस जाती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि पायोनियर पहली है, क्लाइमेक्स लास्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बीच में कोई दूसरी नहीं है। इनके बीच में जो भी स्टेजेस आती हैं उनको सीयर्स कहते हैं। ठीक है, पायोनियर कम्युनिटी से लेकर के क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी है उनके बीच में जितनी भी अवस्थाएं आती है, चाहे दो आए चाहे चार आए, उन अवस्था को सीयर कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक जो स्टेज होती है या ईच जो कम्युनिटी होती है उसमें रहने वाली जो कम्युनिटीज होती है उन कम्युनिटीज को शियरल स्टेजेस कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ कि पायनियर कम्युनिटी से स्टेप बाय स्टेप क्लाइमेक्स स्पीसीज या कम्युनिटी है वो देखने को मिलती है। तो ये जो स्टेप्स है इन स्टेप्स को तो कहते हैं शियर, और हर शियर के अंदर जो कम्युनिटी होती है उसको शियरल स्टेज है वो कहते हैं। ठीक है, तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन। एक्चुअली में वैसे देखा जाए तो जो सक्सेशन है वो किसी भी इकोसिस्टम का इवोल्यूशन है या उसमें होने वाला उद्विकास है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि एक जो सक्सेशन है, इकोलॉजिकल सक्सेशन है, वो कितने टाइप का होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो कई टाइप का हो सकता है, वो डिपेंड हम पे करता है कि हम किस आधार पे उसका डिवीजन कर रहे हैं, हम मेन क्या कैरेक्टर है वो चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सक्सेशन के डिवीजन का जो पहला बेस है वो हम चूज कर रहे हैं कि हैबिटेट की हिस्ट्री क्या थी। इकोलॉजिकल सक्सेशन का अगर हम डिवीजन करते हैं तो डिवीजन किस बेसिस पे होगा ये हम पे डिपेंड करते हैं कि डिवीजन हम किस बेसिस पे करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम हैबिटेट या आवास का जो इतिहास है उसके बेसिस पे हम सबसे पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसका डिवीजन कर रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ हैबिटेट के बेसिस पे सक्सेशन दो टाइप का हो सकता है, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सक्सेशन की। तो प्राइमरी सक्सेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो सक्सेशन की स्टार्टिंग है या कम्युनिटी की जो बसावट की शुरुआत है वो एक ऐसे हैबिटेट से होती है जिसमें पहले को भी कोई कम्युनिटी रही नहीं, एकदम फ्रेश एरिया है। जैसे कोई नया आइलैंड जो है वो अराइज हुआ है,
या कोई बालू रेत का टीला है, या कोई एकदम सपाट जो फ्लैट प्लेन कोई बड़ी चट्टान है, यानी पायनियर जो सक्षे सॉरी प्राइमरी जो सक्सेशन है उसमें एक ऐसे हैबिटाट को चूज किया जाता है, एक ऐसे हैबिटाट में सक्सेशन को स्टार्ट किया जाता है जिसमें पहले कभी कोई कम्युनिटी रही नहीं, कभी ना तो कोई एनिमल स्पीसीज रही ना कभी कोई प्लांट स्पीसीज रही, क्योंकि वो जो हैबिटाट है वो रहने के लायक ही नहीं था। वहां का जो एनवायरमेंट है या वहां का जो भी कंडीशंस है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फेवर नहीं करती है। तो ऐसे एरिया से अगर हम सक्सेशन की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इस टाइप के सक्सेशन को प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दे ही दिए, जैसे कोई नया आइलैंड आया है या कोई बालू रेत का टीला है, क्योंकि बालू रेत के टीले की अगर बात करें तो वहां की जो सोयल है वो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होती है, तो वहां पे कोई प्लांट स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर सकती। और ओबियसली बात है, जो एनिमल स्पीसीज होती है चाहे हर्बीवोरस हो चाहे कार्निवोरस हो, वो प्लांट स्पीसीज के अकॉर्डिंग उनके पीछे पीछे जाएगी। तो यहाँ पे जो सक्सेशन है वो एक ऐसे हैबिटाट से स्टार्ट होता है जहां पहले कभी कोई कम्युनिटी रही ही नहीं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी सक्सेशन की। सेकेंडरी सक्सेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। इसमें क्या होता है कि सक्सेशन की स्टार्ट होती है, पायोनियर कम्युनिटी वहां पे आती है, लेकिन जब पायोनियर कम्युनिटी वहां पे आती है तो उससे पहले भी वहां पे कोई कम्युनिटी रह चुकी होती है, तो वो एरिया रहने लायक होता है। इसका जैसे मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ कि कोई जैसे मैंने जंगल वाला एग्जाम्पल आपको दिया था कि कोई हरा भरा बड़ा सा जंगल है, वहां पे कम्युनिटी बसी हुई है पूरी। ठीक है, फिक्स प्लांट स्पीसीज वहां पे प्रेजेंट है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, और फिक्स जो एनिमल स्पीसीज है वहां पे प्रेजेंट है, और वोल्केनो बस्ट हो गया, कोई कोई जो ज्वालामुखी था वो वहां पे फट गया और वहां का पूरा एनवायरमेंट चेंज हो गया। तो एनवायरमेंट चेंज हुआ है, वहां पे जितना भी बायोटिक फैक्टर था पूरा खत्म हो गया, जितने भी प्लांट थे जितने भी एनिमल्स थे सारे के सारे उसकी राख और जो लावा उसके अंदर से निकलता है उसके नीचे दब गए और सब खत्म हो गया। पूरा जो मैदान है वो एकदम खाली हो गया कि कोई भी आकर के अब उसमें रह सकता, पूरा खाली है। तो अब वो एक नया हैबिटाट बन गया, पहले एक अलग हैबिटाट था, अब यहाँ पे एक नया हैबिटाट बन गया। तो यहाँ अब वापस से रहने की कंडीशंस आएंगी, तो पायनियर कम्युनिटी वापस से बसेगी, वापस सीरियल स्टेजेस आएंगी और फिर फाइनल करते करते क्लाइमेक्स आएगी। लेकिन यहाँ पे जहां सक्सेशन स्टार्ट हुआ है ये एक ऐसा एरिया नहीं था जहां पहले कभी कोई कम्युनिटी नहीं रही, यहाँ पे पहले भी कोई कम्युनिटी थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई, माइग्रेट कर गई, या जो भी रीजन था वो वहां से हट गई, तो उसको रिप्लेस कर दिया किसी दूसरी स्पीसीज ने। तो ये था इकोलॉजिकल सक्सेशन का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री ऑफ हैबिटाट, कि उस हैबिटाट में पहले कोई रहता था या नहीं, कोई कम्युनिटी वहां पे बसी थी या नहीं। और दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन, जिसमें पहले से कोई कम्युनिटी वहां पे थी लेकिन वो या तो वहां से चली गई पूरी की पूरी, या खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, हैबिटाट पूरा खाली हो गया। तो ये रीजन है। तो प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में टाइम की अगर बात करें तो प्राइमरी सक्सेशन में टाइम लगता है, क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन एक ऐसे हैबिटाट से स्टार्ट होता है जो कभी रहने लायक था ही नहीं, क्योंकि अगर रहने लायक होता तो कम्युनिटी बस चुकी होती वहां पे। जैसे कोई नया आइलैंड है या कोई बालू रेत का टीला है, कोई एकदम ड्राई या कोल्ड डेजर्ट है, या एकदम एक्सट्रीम कंडीशन है जहां पे कोई रह नहीं सकता, वहां से अगर हम सक्सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां ऑब्वियसली बात है बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, क्योंकि सबसे पहले धीरे धीरे वहां पे रहने लायक कंडीशंस बनेगी और फिर धीरे धीरे जो प्राइमरी वेजिटेशन है या पायोनियर जो स्पीसीज है वो आके वहां पे बसेगी, फिर उनके अकॉर्डिंग पीछे पीछे और जो आगे के जो वहां पे बायोटिक फैक्टर है, जो भी प्लांट्स है या जो भी एनिमल्स है वो वहां पर आकर के बसेंगे। सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि वहां पे कम्युनिटी पहले से बसी हुई थी, एनवायरमेंट फेवरेबल है वहां पे, अगर थोड़ा बहुत है एडजस्ट करने का तो वो हो जाएगा, लेकिन फिर भी वहां पे पहले से कम्युनिटी बसी हुई है तो वहां पे पूरे चांसेस है कि जल्दी से जल्दी वहां पे एक नई कम्युनिटी बस ही जाएगी। ठीक है, तो ये था प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। इसके बाद में नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट हम सक्सेशन का डिवीजन कर रहे हैं इस बेसिस पर कि सक्सेशन का रीजन क्या है, कॉज ऑफ सक्सेशन क्या है। ठीक है, सक्सेशन का या अनुक्रमण का कारण क्या है, इस बेसिस पर भी हम सक्सेशन का डिवीजन है वो कर सकते हैं। तो सक्सेशन का कारण क्या है, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक है ऑटोजेनिक यानी स्वजनित या स्वजनित, और एक होता है
एलोजेनिक, यानी कोई और इसे क्रिएट करता है, ठीक है। तो ऑटोजेनिक जो सक्सेशन है उसमें किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं या जो भी परिवर्तन आते हैं वो सारे परिवर्तन उसी हैबिटाट में रहने वाले जो बायोटिक फैक्टर है या उस एनवायरमेंट के या इकोसिस्टम के जो एबायोटिक फैक्टर है उन्हीं के द्वारा वो कोस होता है या उन्हीं के द्वारा ही वो परिवर्तन लाया जाता है, तो इसे ऑटोजेनिक या स्वजनित अनुक्रमण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी चेंजेस आते हैं किसी इकोसिस्टम के अंदर उसका रीजन वहां रहने वाले जो बायोटिक फैक्टर्स है, चाहे हम प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें या फिर जो एबायोटिक फैक्टर है, वो उन चेंजेस का रीजन नहीं होते हैं, वो सक्सेशन का रीजन नहीं होते हैं। यहाँ पे सक्सेशन को जो स्टिमुलेट करने वाला जो फैक्टर है वो कोई बाहर से आता है, चाहे वो मैनमेड हो या कोई नेचुरल हो, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एलोजेनिक या बाह्य जनित सक्सेशन की अगर बात करें तो फॉर एग्जाम्पल कोई तालाब है और उस तालाब में जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग वहां पे बायोटिक फैक्टर आराम से रह रहे हैं, अगर हम वहां के पानी में कोई पोल्यूटेंट ऐड कर देते हैं तो वहां पे सक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कई सारी स्पीसीज होगी जो उस पोल्यूटेंट की वजह से वहां पे सर्वाइव नहीं कर पा रही है या उस पोल्यूशन वाले उस वाटर में सर्वाइव नहीं कर पा रही है, चाहे वो प्लांट स्पीसीज हो चाहे एनिमल स्पीसीज हो, तो या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी या माइग्रेट कर जाएगी और थोड़ा टाइम बाद में वहां पे वो स्पीसीज आके रहने लग जाएगी, क्योंकि हैबिटेट खाली हो चुका है, ऑक्यूपाई तो कोई ना कोई करेगा, तो वहां पे वो स्पीसीज आके रहने लग जाएगी जो उस पोल्यूटेंट के साथ में रह सकती है, जिसे उस केमिकल के होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखते देखते कम्युनिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सक्सेशन की स्टार्टिंग है वो एक आउटर फैक्टर ने करी है, बाहर से किसी ने इसको इंड्यूस किया है। जबकि ऑटोजेनिक की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल जैसे कोई बड़ी सी कोई चट्टान है एकदम ड्राई जिसपे कोई घास भी नहीं उग सकती या कोई भी किसी टाइप की कोई वेजिटेशन नहीं उग सकती, लेकिन फिर भी वहां पे लाइकेंस कोई एल्गी है या फंगस है वहां पे आकर सर्वाइव करते हैं, फिर जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो नेक्स्ट जो स्पीसीज आएगी या नेक्स्ट जो भी स्टेजेस आएंगी उनके लिए वो ह्यूमस का काम करती है, यानी उनके लिए वो उपजाऊ बनाती है उस चट्टान को और मिट्टी की एक हल्की सी पतली सी परत बना देती है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे नई स्पीसीज आ जाती है, फिर जब वो नई स्पीसीज मरती है तो वहां पे थोड़ी ह्यूमस की या खाद की और एक थोड़ी मोटी लेयर आ जाती है। तो यहाँ पे जो रहने वाली ऑटोजेनिक जो सक्सेशन है उसमें वहीं की कम्युनिटी की जो मेंबर होते हैं वो या उसी के एनवायरमेंट के जो फैक्टर होते हैं वो सक्सेशन को इंड्यूस करते हैं, इसमें बाहर से कोई भी फैक्टर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा हम सक्सेशन का जो डिवीजन है वो एक बेसिस पे और कर सकते हैं कि सक्सेशन का सीक्वेंस क्या है या सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन क्या है। जो सक्सेशन या अनुक्रमण है उसका क्रम क्या है, पहले कौन आते हैं वहां पे, जो सक्सेशन की प्रोसेस में है पहले कौन आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं या फिर जो हीटरोट्रॉप्स होते हैं वो आते हैं। तो इस बेसिस पे जो सक्सेशन है वो दो टाइप का हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन एंड हीटरोट्रॉपिक सक्सेशन। या स्वयंपोषी अनुक्रमण, हिटरोट्रॉपिक तो ये सक्सेशन है वो दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन एंड हिटरोट्रॉपिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन नेचर में सबसे डोमिनेंटली देखने को मिलता है, ये एक ऐसे हैबिटेट से स्टार्ट होता है जिसकी सोइल में या जिस एनवायरमेंट में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, इनऑर्गेनिक जो भी केमिकल है वो सारे डोमिनेंटली प्रेजेंट हो। क्योंकि एक चीज हम अच्छे से जानते हैं कि ऑटोट्रॉप्स फॉर एग्जांपल प्लांट स्पीसीज की अगर बात करें तो वो ही है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को आगे
जो टॉपिक लेवल है उसमें आगे ट्रांसफर करते हैं या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसफर करते हैं। तो नेचर के अंदर जनरली ऑटोट्रॉपिक सब्सटेंस ही देखने को मिलेगा क्योंकि ये एक ऐसे एरिया से स्टार्ट होता है जहाँ कार्बनिक पदार्थ या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो सबसे ज्यादा होते हैं और वहां पे प्रोड्यूसर सबसे पहले आते हैं, प्लांट स्पीसीज पहले आती है या स्टेब्लिश आने को तो कोई भी आए लेकिन स्टेब्लिश सबसे पहले कौन होता है, वही होगा जो उस एनवायरमेंट के लायक है या एनवायरमेंट में उसके लायक कुछ है। तो यहाँ पे अगर कोई प्लांट स्पीसीज आकर के यहाँ पे बसती है तो वो आराम से सर्वाइव कर सकती है क्योंकि उसको क्या चाहिए, सनलाइट, CO2 एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो वो उसको इस हैबिटेट में मिल जाते हैं। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ट्रैप करके वो ऑर्गेनिक मटेरियल बनाता है जिसके पीछे पीछे वहां पे हेटरोट्रॉप्स भी आकर के बस जाते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस है, पहले ऑटोट्रॉपिक एनिमल्स आएंगे या ऑर्गेनिज्म आएंगे, फिर उसके बाद में हेटरोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म है वो आएंगे, ठीक है। और ये इस टाइप का जो सक्सेशन होता है वो बहुत ही स्लो एंड स्टेडी होता है, कई सौ साल लग जाते हैं इसको पायोनियर स्पीसीज से क्लाइमेक्स जो लास्ट स्टेज है वहां तक जाने के अंदर, ठीक है। और ये परमानेंट भी होता है। नेक्स्ट हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन की बात करें तो ये उस हैबिटेट से स्टार्ट होता है जहां पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो हाई क्वांटिटी के अंदर रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़ा सा एनिमल मर गया है, वो जो फंगस है, बैक्टीरिया है, इन सब के लिए हैबिटेट का काम करेगा, तो वहां पे डोमिनेंटली आपको जो स्पीसीज है वो यही दिखाई देगी, जो बैक्टीरिया है, वायरस है या एल्गी है, फंगस, इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वहां पे डोमिनेंटली आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें हालांकि जो एनर्जी फ्लो होता है कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये सक्सेशन जो है वो ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन के कंपैरिजन में टेम्परेरी होता है, ये उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, ये कुछ ही महीनों में खत्म हो जाता है क्योंकि वो डेड बॉडी पूरी उसको डिकम्पोज किया और इसी के साथ ही ये पूरा जो सक्सेशन की प्रोसेस है उसी के साथ ही खत्म हो जाती है। इस टाइप का जो सक्सेशन है उसे डिग्रेडेटिव सक्सेशन भी कहा जाता है। अपघटन अनुक्रमण भी कहा जाता है, सॉरी विघटन अनुक्रमण भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो कुछ टाइप थे, इम्पोर्टेंट टाइप थे कि सक्सेशन को हम किस बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोसेस इन सक्सेशन, कि जो सक्सेशन की प्रोसेस होती है उनमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। अनुक्रमण की या सक्सेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 7 स्टेप अपने सिलेबस में है, उनमें सबसे पहली है म्यूटेशन। सेकेंड है माइग्रेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है कि हैबिटेट पूरा खाली हो रहा है, उसको प्रिपेयर किया जा रहा है रहने के लिए, या माइग्रेशन या इन्वेजन। नई स्पीसीज आकर के यहाँ पे बसेगी, हिंदी में इसको लिखेंगे आक्रमण या प्रवसन। म्यूटेशन, सेकंड माइग्रेशन, थर्ड है एसेसिस। इसका मतलब होता है स्थापित या स्थापना, नई स्पीसीज वहां पे सबसे पहले एरिया हैबिटेट है वो तैयार किया गया, वहां पे नई स्पीसीज आई, आने के बाद में वो वहां पे स्थापित हुई। और उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एग्रीगेशन या समूहन। एग्रीगेशन
एग्रीगेशन यानी ग्रुप बन जाते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन, स्पर्धा। सिक्स स्टेप जो है वो है रिएक्शन या प्रतिक्रिया। और इसके बाद सबसे लास्ट जो स्टेप है वो है स्टेबलाइजेशन या क्लाइमेक्स। यानी जो क्लाइमेक्स स्टेज है उसका स्थिर हो जाना या उसकी स्थापना हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल 7 स्टेप जो है वो किसी भी सक्सेशन, किसी भी टाइप के हैबिटेट में कहीं भी जो सक्सेशन होता है उसमें ये स्टेप्स है वो जनरली देखने को मिलती है, जिसमें है न्यूडेशन, माइग्रेशन, एसेसिस, एग्रीगेशन, कॉम्पिटिशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट क्लास में हम ये जो भी स्टेप्स है इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस स्टेप में क्या होता है एक्चुअल में।